दोस्तों आपके साथ जीएसटी का एक बहुत ही बड़ा अपडेट शेयर करने जा रही हूँ ये अपडेट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है इसलिए इसे ज़रूर देखिएगा बेसिकली चैलेंज इन दिस पटिशन थ्री इश्यूज जो है वो चैलेंज किए गए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये इश्यूज हैं पहला देयर हैज़ बीन प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट एक तो बैंक अकाउंट का अटैचमेंट हुआ द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर जीएसटी एस इज कैंसिल कर दिया गया एंड आईटीसी टी सी इज़ ब्लॉक तो तीन ईशूज़ यहाँ पे हैं कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट का एंड आईटीसी इज़ ब्लॉक प्रोविजनल अटैचमेंट की गई बाय ऑर्डर डेटेड 17 फरवरी एंड कैंसिल किया गया रजिस्ट्रेशन एज पास्ट ऑन 26 मार्च 2021 इट हैज़ बिन कंटेंडेड दैट बिफोर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कैंसिल करने से पहले द इनग्रीडियंट्स ऑफ रूल ट्वेंटी वन ऑफ सी जी एस टी रूल विच मैंडेट द ग्राउंड ऑफ कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मस्ट एग्जिस्ट ठीक है तो रूल ट्वेंटी uh, वन के अंदर जो भी आपको ग्राउंडस मैंशन किए गए हैं रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने से पहले उन ग्राउंडस का होना बेहद ज़रूरी है वेयर इन इन दिस केस द ओमनीबस शोकोस नोटिस वॉज ईशू शोकोस नोटिस इशू किया गया वेर इन नो पर्टिकुलर्स वर शोन एज टू विच कंट्रावेंशन हैज बीन मेड कि कौन सा प्रोविजन जो है जिस एस एस सी के द्वारा कौन सा जो कॉन्ट्रावेंशन है कौन सा प्रोविजन है जो फॉलो नहीं किया गया किस बेसिस पर बेसिकली कैंसिलेशन हुई है इस तरह का कुछ भी शोकोस नोटिस में मेंशन में नहीं था फर्दर मोर इट हैज बीन स्टेटेड दैट ब्लॉकिंग ऑफ दी बैंक अकाउंट जो कि 17 फरवरी को करी गई अंडर सेक्शन 83 एंड रिप्लाई फाइल की गई 23 फरवरी को एंड देयर आफ्टर नो हियरिंग वाज गिवन एज़ पर रूल 159 सब रूल फाइव के अकॉर्डिंगली जो हियरिंग देनी चाहिए वो भी एस को नहीं मिली विच मैंडेट दैन वेन ऑब्जेक्शन इज़ फाइल टू द अकाउंट अगेंस्ट अटैचमेंट द कमिश्नर आफ्टर अफोर्डिंग एन अपॉर्चुनिटी बींग हर्ड मे रिलीज द सैड प्रॉपर्टी एंड अकाउंट तो कहने का मतलब ये है कि बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया गया सत्रह फरवरी को उसकी रिप्लाई सबमिट करी गई तेईस फरवरी को और जैसा कि रूल वन फिफ्टी नाइन सब रूल फाइव में कहा गया है जिसमें बताया गया है कि अगर कोई ऑब्जेक्शन फ़ाइल किए जाते हैं एस एस सी के द्वारा तो जो कमिश्नर है आफ्टर अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ट देने के बाद उस प्रॉपर्टी को रिलीज कर सकता है वेयर एज इन दिस केस इस केस में कोई भी हियरिंग नहीं दी गई विच रिजल्टेड इन टू क्लोजर ऑफ बिजनेस जिसकी वजह से जो बिजनेस है वो बंद हो गया ही फर्दर सबमिटेड दैट उसकी आई टी सी लेजर भी ब्लॉक कर दी गई विदाउट फॉलोइंग द प्रोसीजर जो कि लोग के अंदर बताया गया है देयर फॉर ही सबमिट दैट ब्लॉकिंग ऑफ बैंक अकाउंट कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन मे बी स्टेड सो दैट पटिशनर एट मे स्टार्ट हिस् बिजनेस तो यहाँ पर उसने कहा है कि बैंक अकाउंट की जो ब्लॉकिंग है वो जो कैंसिल किया है रजिस्ट्रेशन उस पर लग जाए ताकि एटलीस्ट जो बिजनेस है फरवरी uh, को जो बैंक अटैचमेंट हुई रिप्लाई फाइल की गई बाईस मार्च को एंड इट अपियर सेम हैज नॉट बिन डिस इट वुड बी नोन कंप्लायंस है ये रूल वन फिफ्टी नाइन सब रूल फाइव का नाउ विद रिस्पेक्ट टू द कैंसिलेशन इन ऑर्डर प्राइमर फेसी द रीज़न हैज़ नॉट बीन असाइंड जो कि एज मैंडेट अंडर रूल ट्वेंटी वन के अंदर जो रीज़न दिए गए हैं कोई भी रीज़न जो है ना दे करके कैंसिलेशन ऑर्डर पास किया गया इन केस ऑफ valorous industries versus uh, union of india high court observed that any opinion of the authority in regard for attachment of the like nature there has to be uh, some relevance in order to establish if official examination as to sufficiency of the ground on which अथॉरिटी में एक्ट इन फॉर्मिंग इट्स ओपिनियन विच फॉलो द प्रोविजनल अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट एंड कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन तो एक दूसरे केस का भी यहाँ पे रेफरेंस लिया गया है कि हाई कोर्ट ने उसमें भी ऑब्जर्व किया था कि कोई भी ओपिनियन अगर कोई अथॉरिटी लेती है अटैचमेंट का या कैंसिलेशन का एज़ टू दफिशियंट ग्राउंडस होने चाहिए जिसके बेसिस पर जो अथॉरिटी है वो एक्ट करेगी बैंक uh, अटैचमेंट के लिए या फिर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन के लिए द एग्जिस्टेंस ऑफ रेलिवेंट मटीरियल वुड बी प्री कंडीशनल टू फॉर्मेशन ऑफ ओपिनियन तो कुछ रेलिवेंट मटीरियल होने चाहिए कोई भी ओपिनियन फॉर्म करने के लिए तो ये पहली जो है एक कंडीशन है Considering the situation if the reply is not filed and the attachment order of bank account and cancellation of registration do not show what ground was existing to pass such order, since the business of petitioner and closed for the attachment of bank account and cancellation of registration, strict compliance is required as per Act and uh, rules. तो यहाँ पे कहा गया है कि सिचुएशन को देखते हुए जो अटैचमेंट हुआ है बैंक अकाउंट का और कैंसिल कर दिया गया है एस का रजिस्ट्रेशन जिनका कि कोई ग्राउंड्स भी वहाँ पे मेंशन नहीं थे कि किन ग्राउंड्स के बेसिस पर जो ये सब किया गया है तो बिजनेस जो है एस का वो तो रुक ही गया है क्योंकि आपने बैंक अकाउंट अटैच कर लिया है और रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया गया है स्ट्रिक्ट कम्प्लाइंस जो है चाहिए इन सभी कदम को उठाने के लिए बैंक अकाउंट को अटैच करने के लिए रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करने के लिए इन द वे ऑफ सेम इट इज डायरेक्टेड दैट अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट जो कि बैंक अकाउंट डिटेल फरवरी दो हजार इक्कीस को किया थायरिंग स्टे तो लगा दिया गया बैंक अकाउंट एंड कैंसिलेशन पर टिल द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक द इंटरी ऑर्डर शेल नॉट प्रिकलूड द डिपार्टमेंट टू प्रोसीड इन अकॉर्डेंस विद लॉ And to mandate of act and in the submission made at the bar that petitioner is cooperating in the further inquiry, he is regularly participating department would be free to take any action if petitioner deliberately avoid any hearing given to them। तो ये लिस्ट किया गया है इन the second week of September twenty twenty one के लिए। तो काफी इम्पोर्टेंट है ये केस। इस केस का जो भी जजमेंट आएगा वो आप सभी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि ये केस अपने आप में ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है तो जैसे इसका फाइनल ऑर्डर आता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी तब तक के लिए आप चैनल के साथ बने रहिए सब्सक्राइब कर लीजिए और बेलाइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए